कश्मीर फाइल्स नू लैके होए हंगामे दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वड्डा बयान दिता है। पीएम मोदी ने मंगलवार नू कहा कि सच्चाई नू दबाउण दी कोशिश की गई है। पीएम ने यह बयान भाजपा संसदी दल की बैठक विच दिता। फिल्म साज विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के वादी तो कूच कर उन्होंने होए जुल्मों अत्याचारों पर आधारित है। यह फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघर रिलीज़ हुई सी। दसिया जा रहा है कि यह फिल्म 1990 के दहाके दियां सच्चियां घटनावां अते तथां ते आधार ते बनाई गई है। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही परस्पेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाकर के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑपरेशन की बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है, कैसे भूल सकता है देश। कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से, नहीं आ रही। अब कोई और ये फिल्म कराएगा तब तो कहा हाँ मिले आप ठीक से जरा बटन दबा के पर आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है।